बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 to 10 ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 3.6, इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर ऑफ negligible mass in an empty can 40 gram mass, ये हुआ mass of can। He plugs the end with a wooden block of mass 200 gram। अगर साथ साथ डाटा लिखें तो mass of can, अगर इसको हम m1 कह लें 40 gram, और इसको 40 को 1000 से डिवाइड कर लें किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, 40 डिवाइडेड बाई 1000, और ये फिर वैल्यू आ जाएगी 40 × 10⁻³ किलोग्राम। देन इसके बाद है मैस ऑफ वुडन ब्लॉक m2 200 ग्राम, तो इन किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी 200 × 10⁻³ किलोग्राम। आफ्टर इग्निटिंग दी फायर क्रैकर ही थ्रो दी कैन स्ट्रेट अप। It explodes at the top of its path। बच्चों, ये जब इसलिए top of its path कहा है तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इस पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। कैन और वुडन ब्लॉक जब हाईएस्ट वेलोसिटी पर होंगे तो किसी भी बॉडी को जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इफ ब्लॉक शूट्स आउट ऑफ अस with a speed of 3 m/s after explosion, the speed of block before explosion, speed v1 equals to 0, speed of can, और इसी तरह speed of block before explosion v2 equals 0, the speed of block after explosion v2 dash, इसकी वैल्यू है 3 m/s, स्पीड ऑफ कैन आफ्टर एक्सप्लोजन v1 डैश, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहां पर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम before explosion, so that is by m1 v1 dash plus m2 v2 dash equals to m1 v1 plus m2 v2। नेक्स्ट टाइम में हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। m1 की वैल्यू थी 40 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई v1 डैश, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस m2 की वैल्यू थी 200 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई v2 डैश की वैल्यू थी 3, इक्वल टू m1 × 0 प्लस m2 × 0। नेक्स्ट हमें 40 × 10⁻³ v1 डैश प्लस 0.6, ये 200 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 3, ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 इक्वल टू 0। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि ये जो प्लस 0.6 है हमने इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लिया, और राइट साइड में इस फैक्टर की इस टर्म की साइन हो गया है माइनस, फिर 40 × 10⁻³ v1 डैश इक्वल टू आ जाएगा -0.6। हमने v1 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ जो 40 × 10⁻³ फैक्टर मल्टीपल है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो राइट साइड में ये वैल्यू ओवर में आ जाएगी, तो v1 डैश की फिर वैल्यू आ जाएगी 0.6 ओवर 40 × 10⁻³ आफ्टर डिवीजन, ये वैल्यू आ जाएगी v1 डैश की वैल्यू आ जाएगी -15 m/s। बच्चों, यहाँ पर माइनस साइन की रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद कैन और जो ब्लॉक है ये ऑपोजिट मूव करेंगे, कंजर्व मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये दोनों बॉडीज ऑपोजिट मूव करेंगे। अगर हमने वेलोसिटी ऑफ लॉग को पॉजिटिव साइन दिया है तो डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ कैन पे लॉस भी नेगेटिव आएगी। अगर हम वेलोसिटी ऑफ कैन को पॉजिटिव साइन देंगे तो फिर वेलोसिटी ऑफ लॉग वो नेगेटिव आ जाएगी। तो ये चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, एक वेलोसिटी को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करें तो देन उसके ऑपोजिट जो वेलोसिटी है वो डेफिनेटली नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो ये है इसकी रीजन माइनस साइन की, और ये न्यूमेरिकल अब कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल 3.7 है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट 2 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये है उसकी वेलोसिटी या स्पीड। अंडर गोज अ हेड ऑन कोलिजन विद अ हाइड्रोजन एटम, और इस हाइड्रोजन एटम का मास है 1.67 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम विच इज इनिशियली एट रेस्ट, assuming the collision to be perfectly elastic and motion to be along a straight line, find the velocity of hydrogen atom। तो हमें हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब इसी डाटा को अगर हम दोबारा लिख लें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m1 की वैल्यू है 9.1 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, और इसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है m2 1.67 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन m1 जो कि गिवन है 2.0 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है वो रेस्ट में था बिफोर कोलिजन, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम बिफोर कोलिजन v2 इक्वल्स टू 0, और स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन v2 डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। बच्चों ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल एक टॉपिक है सिलेबस में, उसमें फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन के फार्मूले गिवन है, उसमें से v2 डैश का फार्मूला है ये लिखा हुआ है यहाँ पर। v2 डैश फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। ये फार्मूला है जो उधर यूज किया जाएगा v2 डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 इंटू m1 की वैल्यू है 9.1 टेरे पावर माइनस 31 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई, ये यूनिट पेशा बाद में लिख लें, मल्टीप्लाइड बाई v1 की वैल्यू है 2 10 पावर 7 ओवर 9.1 टेन पावर माइनस 31 प्लस 1.67 टेन पावर माइनस 27, और सेकेंड टर्म में चूंकि v2 की वैल्यू 0 थी इसलिए यहाँ पर 0 पुट करेंगे, और m1 फिर m2 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सेकंड टर्म में वैसे भी 0 हो जाना था। ये फर्स्ट टर्म की नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन है वो ये बनेगी 2 टेन मल्टीप्लाइड बाई 9.1 टेन पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई 2 टेन पावर 7, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.64 टेन पावर माइनस 23 ओवर, इन दो वैल्यूज को जब प्लस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.6709 टेरे पावर माइनस 27, और डिवीजन के बाद ये वैल्यू आ रही है 2.1784 टेरे पावर 4 मीटर पर सेकेंड, या अगर हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो देन ये वैल्यू आ जाएगी 2.18 टेरे पावर 4 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल 3.8 है। अ ट्रक वेइंग 2500 किलोग्राम, डाटा भी अगर लिखे तो मास ऑफ ट्रक m1 equals to 2500 kilogram, moving with velocity of 21 meter per second. और इसके बाद इसकी velocity है velocity of truck before collision v1 equals to 21 meter per second. Collides with stationary car weighing 100 kilogram. ये वर्ड weighing जरूर लिखा हुआ है बट 100 किलोग्राम ये इसका मैस है, तो मैस ऑफ ट्रक m2 इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम. Truck and car move together after the impact. Calculate their common velocity. तो जब दोनों टकरा गए फिर कार और ट्रक एक ही साथ मूव कर रहे हैं, उनकी सेम वेलोसिटी है, तो वो कॉमन वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है. तो कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 डैश इक्वल्स टू v2 डैश, और दोनों को अगर v डैश कर लें क्योंकि दोनों की कॉमन वेलोसिटी सेम है इसलिए दोनों को हमने v डैश कर दिया. ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है. अब अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. Therefore, m1 v1 dash plus m2 v2 dash equals to आ जाएगा m1 v1 plus m2 v2. अब वैल्यू पुट करेंगे 2500 into v dash, क्योंकि v1 dash और v2 dash दोनों की वैल्यू v dash के इक्वल है, तो हम यहाँ पुट कर लेंगे 2500 multiplied by v dash plus 1000 multiplied by v dash equals to 2500 multiplied by v1 की वैल्यू थी 21 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0. ये फिर आ जाएगा 2500 v dash plus 1000 v dash equals to 2500 multiplied by 21 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0. तो नेक्स्ट टाइम में फिर ये वैल्यू आ रही है लेफ्ट साइड की, अगर दोनों टर्म्स को प्लस करें तो ये वैल्यू आती है 3500 b डैश इक्वल टू आ जाएगा 52500 प्लस 0 52500, और फिर b डैश की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये 3500 जो b डैश के साथ मल्टीपल है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे. राइट साइड में जाके ये टर्म ओवर में आ जाएगी, तो इस तरह v डैश यानी कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड. न्यूमेरिकल नंबर 9 है. टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 2 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम are attached at the two ends of a compressed spring. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joule. Find the velocities after the blocks if the spring delivers its energy to the blocks when released. एक्चुअली स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है और कंप्रेस फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर जो टोटल टेंशन एनर्जी है इलास्टिक टेंशन एनर्जी उसकी वैल्यू है 10 जूल. और रिलीज करने से पहले m दोनों जो बॉडीज हैं ब्लॉक्स हैं उनकी वेलोसिटी डेफिनेटली 0 है. जब इनको रिलीज किया जाएगा तो दोनों बॉडीज दोनों ब्लॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, उनके बाद इनकी जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इनको वो स्प्रिंग की इलास्टिक टेंशन एनर्जी के इक्वल आएगी. तो ये रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए. तो डाटा में मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक m1 इक्वल्स टू 2 किलोग्राम, मास ऑफ सेकंड ब्लॉक m2 की वैल्यू है 0.5 किलोग्राम, इलास्टिक टेंशन एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 10 जूल, स्पीड ऑफ ब्लॉक्स बिफोर स्प्रिंग रिलीज v1 इक्वल्स टू v2, दोनों चूंकि रेस्ट में थे दोनों की वेलोसिटी 0, और इसके बाद स्पीड्स ऑफ ब्लॉक्स आफ्टर स्प्रिंग रिलीज ये v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ पर जो दोनों ब्लॉक्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो इक्वल्स टू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ही अब कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स ऑन रिलीजिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स, इसलिए पी पोटेंशियल एनर्जी कुछ आ जाएगी हाफ m1v1 प्लस हाफ m2v2 और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी 10 इक्वल टू हाफ इनटू m1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस हाफ m2 की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई v2 तो 10 इक्वल टू आ जाएगा v1 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई v2 या हम इसको लिख सकते हैं प्लस 0.25 v2 इसको अगर अरेंज कर लें तो नेक्स्ट स्टेप में फिर v1 प्लस 0.25 v2 इक्वल टू आ जाएगा 10k। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसके बाद बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम आफ्टर रिलीज इक्वल टू होगा टोटल मोमेंटम बिफोर रिलीज। तो ये m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 into v1 प्लस 0.5 v2 इक्वल टू m1 into 0 प्लस m2 into 0 क्योंकि इसकी वजह यह है कि रिलीज करने से पहले दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी 0 थी। फिर ये दोनों की वैल्यूज हमने 0 पुट कर ली। नेक्स्ट स्टेप में 2v1 प्लस 0.5 v2 इक्वल टू आ जाएगा 0। आप यूं करें कि ये 2 जो है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं 2v1 को, फिर 0.5 v2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2v1 और v2 फिर क्या आएगा, ये जो v2 के साथ 0.5 मल्टीपल है राइट साइड में अगर ले जाएं तो ये फिर आ जाएगा माइनस 2/0.5 v1। इसका मतलब ये हुआ कि v2 इक्वल टू आ गया, इसका रिलेशन फिलहाल फाइंड हो गया है, v2 का रिलेशन बन गया है माइनस 4v1 के इक्वल। ये अभी रिलेशन है, वैल्यूज बाद में हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। ये जो अब रिलेशन आया है v2 इक्वल टू माइनस 4v1 नाउ पुटिंग v2 इक्वल टू माइनस 4v1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये है इक्वेशन नंबर 1, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे रिलेशन, फिर v1 के प्लस 0.25 और इसके बाद 0.25 के साथ मल्टीपल है v2 के, अब उसकी जगह पर आ जाएगा माइनस 4v1 स्क्वायर इक्वल टू 10 तो v1 के प्लस फिर आ जाएगा 4v1 के इक्वल टू 10। देखो 1v1 के प्लस 4v1 के इक्वल टू 10 तो ये आ जाएगा 5v1 के इक्वल टू 10। आप यूं करें कि v1 की वैल्यू आ जाएगी 10/5 v1 के इक्वल टू 2 और नाउ टेक इट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड का जब स्क्वायर रूट करोगे तो v1 की वैल्यू आ गई है 1.41 मीटर पर सेकेंड और ये v1 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। जब इसमें v1 की वैल्यू पुट की जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर v2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन नंबर 2, फिर v2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 into 1.41 तो ये v2 की वैल्यू आ गई है माइनस 5.64 मीटर पर सेकेंड और v1 और v2 की साइन ऑपोजिट होने की वजह यह है कि रिलीज करने के बाद, स्प्रिंग के रिलीज होने के बाद ये दोनों ब्लॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसलिए दोनों में से एक की वेलोसिटी पॉजिटिव और सेकेंड ब्लॉक की वेलोसिटी जो वो नेगेटिव आ गई है। अब एथ न्यूमेरिकल है, फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल थ्रू अ 40 मीटर पास। इसका मतलब है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है आर इक्वल्स टू 40 मीटर। व्हाट मस्ट बी इनिशियल स्पीड, हमने यहाँ से इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। अब चूंकि डाटा में रेंज गिवन है इसलिए हम रेंज का फार्मूला यूज करेंगे। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला होता है आर इक्वल्स टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो वी आई स्केयर इक्वल्स टू आ जाएगा जी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आई स्केयर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा जी आर। इसके बाद फिर वी आई स्केयर की वैल्यू आ जाएगी जी आर डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। इसके बाद हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 9.8 जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 40 ओवर साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये 392 ओवर साइन 60, तो 392 ओवर साइन 60 की वैल्यू आ गई है 0.866। इस तरह वी आई स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 452.6। अब बोथ साइड का अगर स्केयर रूट कर लें तो फिर वी आई की वैल्यू आ जाएगी 21.27 मीटर पर सेकेंड। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स के थ्रू अपनी जो राय है उसे ज़रूर आगाह करें, ताकि नेक्स्ट आने वाला लेक्चर जो है अगर कमी कोताही रह गई है तो वो इसको दूर किया जा सके। और इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। फी अमान अल्लाह और अल्लाह हाफिज़।